हेलो गाइस नमस्कार, मैं राजकुमार टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने रक्त से ब्लड से दो क्लास कंप्लीट हुआ आपका ब्लड से। और देखिए फ्रेंड्स, आज हम ब्लड से वह टॉपिक उठाने वाले हैं जहां से लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की पीसीएस की परीक्षाओं में बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न में लगातार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों से रक्त समूह और इसके बाद आरएच कारक यानी आरएच प्रोटीन के विषय में। और दोस्तों, आरएच प्रोटीन के बाद हम चर्चा करेंगे कि रक्त का निर्धारण आखिर किस प्रकार से होता है। तो इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति में ए रक्त समूह है और उसकी पत्नी में बी है, तो होने वाले बच्चों में कौन सा रक्त समूह होगा, कितना होगा, या फिर रुधिर वर्ग के जीनोटाइप क्या क्या होते हैं। दोस्तों, ये बहुत सारे पॉइंट्स आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स जो पीसीएस प्री की परीक्षा है 2020 की, उसमें बहुत अधिक समय आपके पास नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमको कम समय में एक शानदार मेमोरेंडम, एक शानदार स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, समय बार बार एक तरह से नहीं होता, समय बार बार हमको नहीं मिलता पढ़ाई करने का। दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो इसको आप ढंग से इस्तेमाल करिए, टाइम का अच्छा आप यूटिलाइज करिए। और दोस्तों, एक बार प्रण करिए कि हम अच्छे से तैयारी करेंगे, बढ़िया से तैयारी करेंगे और प्रीलिम के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करके समाज में अपना एक ऐसा सम्मान बनाएंगे कि दोस्तों हमें सब फॉलो करें। तो देखिए, और फ्रेंड देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम लोग जब तैयारी करते हैं तो दिशा हमारी सही नहीं होती है। तो दोस्तों, एक सही वे में तैयारी करना, टू द पॉइंट पढ़ना, सही मैटर पढ़ना या फिर नोट्स बनाना, ये सबसे बड़ी बात होती है आपके परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, इन सब के लिए आपको ढंग से लगना पड़ेगा। देखिए, अगर हम बिना पढ़े 10 एग्जाम दें 5 एग्जाम दें तो दोस्तों कोई भी एग्जाम हमारा क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन अगर एक बार हम ढंग से पढ़ के अच्छे से परीक्षा दें तो हो सके तो हमारा सब एग्जाम क्या होता है, क्लियर हो जाता है। तो अगर मान लीजिए हम लोग एक एक मीटर पर 100 गड्ढे खोदे तो शायद पानी नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हम एक काम करें, एक ही स्थान पर हम 100 मीटर गड्ढा खोद दें तो वहां हमको निश्चित रूप से पानी प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी लोग मेहनत से, लगन से, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ एक बार ढंग से लग जाइए तैयारी करने में, और जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक लगे रहिए। तो दोस्तों, आपके इस सफर में टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट बिल्कुल संपूर्ण रूप से दोस्तों समर्पित है, आपके साथ तत्पर है हर तरीके से। सो फ्रेंड्स, आपको देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पीसीएस की दो क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, एक है पीसीएस 2020 के प्रीलिम्स के लिए। तो दोस्तों, प्रीलिम्स क्या करेंगे आप लोग, इस नंबर पर 9170509670 इस नंबर पर प्री पीसीएस एंट्री, दोस्तों ये लिख करके प्री पीसीएस एंट्री लिख करके इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और पीसीएस प्रीलिम्स के बारे में सारी जानकारी, सिलेबस के बारे में सारी जानकारी, दोस्तों उसके बाद फैकल्टी के बारे में पूरी जानकारी और क्या फी है, तो सारी स्ट्रेटजी, सारी रणनीति आपको यहीं से मालूम पड़ जाएगी। और देखिए, जिसको प्री कम मेंस देना है, तो अगर प्री कम मेंस देने के आप इच्छुक है दोस्तों, प्री कम मेंस की तैयारी करने के इच्छुक है, तो आप 9180054454 पर दोस्तों एंट्री प्री कम मेंस लिख करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको प्रीलिम्स के बारे में भी, और दोस्तों प्रीलिम्स के अतिरिक्त आपको मेंस के बारे में भी या प्री कम मेंस के बारे में सारी जानकारी आपको यहीं से प्राप्त हो जाएगी। तो सो फ्रेंड्स, इसी नंबर पर आप मैसेज करेंगे यूपीपीसीएस प्री 2020 के लिए ऊपर वाले नंबर पर, और प्री कम मेंस 2020 के लिए दोस्तों इस नीचे वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और आपको इसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, देखिए इसके पहले हमने ब्लड के कुछ टॉपिक को पढ़ा है और आज हमें आगे रक्त में रक्त समूह पढ़ना है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों, हमें जब चोट लगती है और रक्त की कमी होती है तो अटेंडम में हमें कुछ न कुछ रक्त की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम रक्त का आधान करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रक्त का आधान करते हैं, यानी कि ब्लड किसी और व्यक्ति से लेते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है
कि 1900 ईस्वी के पहले ऐसा था कि जब ब्लड ग्रुप की खोज नहीं हुई थी उसके पहले भी रक्त का आदान प्रदान होता था, ठीक है। लेकिन उस समय व्यक्ति अगर मान लीजिए बच गया तो ठीक है, नहीं दोस्तों मरना तो तय है। देखिए, लेकिन 1900 में एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। दोस्तों लैंडस्टीनर साहब ने क्या किया, 1900 ईस्वी में कुछ बताया। उन्होंने बताया कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी का रक्त एक समान नहीं होता, बल्कि सभी व्यक्तियों के रक्त में कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब विभिन्न व्यक्तियों के ब्लड में इतने डिफरेंट क्यों होते हैं दोस्तों, इस क्यों का जवाब किसने दिया, लैंडस्टीनर साहब ने दिया। देखिए उन्होंने क्या बताया दोस्तों, उन्होंने बताया, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमको क्या जानना है, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। तो रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, तो ध्यान रहे जितने भी लोग हैं सबका रक्त समूह क्या होता है, अलग अलग होता है। तो दोस्तों रक्त समूह की जो खोज है, सबसे पहले रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर दोस्तों 1900 ईस्वी में की, 1900 ईस्वी में की, और रक्त समूहों की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, ध्यान दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इनको 1930 में रक्त समूह की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिन रक्त समूहों की खोज लैंडस्टीनर साहब ने की थी, उन्होंने उसे क्या बताया दोस्तों, उन्होंने बताया कि एबीओ ब्लड सिस्टम। क्या बताया, एबीओ ब्लड सिस्टम, एबीओ रक्त समूह बताया। ठीक है, अब देखिए इनमें दोस्तों, देखिए एबीओ यानी कि रक्त समूहों को चार भागों में बांटा गया, लेकिन आखिर किस आधार पर ब्लड ग्रुप को चार भागों में बांटा गया, सबसे बड़ी बात यह जाननी है कि ब्लड ग्रुप को चार भागों में क्यों बांटा गया। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में दो पार्ट होते हैं, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अतिरिक्त एक क्या होता है, हमारी ब्लड कॉर्पसल जिसमें होती है आरबीसी। तो दोस्तों एक है प्लाज्मा और एक क्या है, आरबीसी। सो फ्रेंड्स, इन्होंने क्या बताया कि हमारी जो आरबीसी होती है, आरबीसी में एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या बताया फ्रेंड्स, आरबीसी में एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन दो प्रकार के एंटीजन का निर्माण करता है। अब ये एंटीजन क्या है, यह जानने वाली बात है। तो दोस्तों दो प्रकार के एंटीजन का निर्माण करता है, यानी प्रतिजन का निर्माण करता है, जिसको हम कहते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी, यानी प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। और ध्यान दीजिएगा, हम एंटीजन को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एंटीबॉडी, जो एंटीजन होता है, इसका निर्माण एक ग्लाइकोप्रोटीन से होता है, या दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो एंटीजन होता है ये कहां होता है, हमारे आरबीसी के बिल्कुल ऊपरी भाग में होता है। कहां होता है, हमारे आरबीसी के बिल्कुल ऊपरी भाग में होता है। ये बाजू से मान लीजिए, जब ये ब्लड है तो जहां पे हमारा सर्किल खत्म होता है, यहां देखिए अब ये एंटीजन है, तो इसे क्या बोला गया दोस्तों, इसे बोला गया था एंटीजन।
और इस एंटीजन का निर्माण कैसे होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से होता है। इसी को बोला गया था एंटीजन। जो एंटीजन होता है यह हमारे रक्त में कहां से आता है, बाहर से आता है। और ध्यान दीजिएगा, हर एंटीजन के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी भी सुरक्षित रहती है। और दोस्तों जहां एंटीजन का निर्माण होता है आरबीसी से, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन से, वहीं दोस्तों जो आपका एंटीबॉडी होता है वो बनता है प्लाज्मा से। प्लाज्मा में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है ग्लोबुलिन। प्लाज्मा में एक प्रोटीन जिसका नाम है ग्लोबुलिन, और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन दो प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, दो प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण करती है। इसको हम कहते हैं दोस्तों प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी। तो दो प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण करती है, इसमें एक होता है एंटीबॉडी ए और दूसरा होता है एंटीबॉडी बी। ठीक, तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। और एंटीबॉडी जहां हमने एंटीजन को कैलकुलेटर में रिप्रेजेंट किया था, वहीं हम दोस्तों इस एंटीबॉडी को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर अर्थात स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एंटीजन है वो हमारे रक्त में बाहर से प्रवेश करता है और ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा बनता है। और जो जो आपकी एंटीबॉडी होती है वो ऑलरेडी प्लाज्मा में रहती है और यह ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनती है। तो दोस्तों अब देखिए, एंटीबॉडी के आधार पर नहीं बल्कि एंटीजन के आधार पर रक्त को चार समूह में बांटा गया था। ठीक है ना, एंटीजन के आधार पर रक्त को चार समूह में बांटा गया। आइए देखते हैं कि रक्त को चार समूहों में कैसे बांटा गया था। देखिए, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसकी आरबीसी में एंटीजन ए पाया गया, इसे हमने कहा ए वर्ग, इसे कहा गया ए वर्ग। और जिस आरबीसी में एंटीजन बी पाया गया उसे कहा गया बी वर्ग। तो भाई एक ए वर्ग और एक क्या हो गया, बी वर्ग। अब देखिए, एक ऐसी आरबीसी जिसमें दोनों एंटीजन पाए गए, तो एंटीजन ए और बी दोनों साथ पाए गए, इसे कहा गया ए बी वर्ग। एंड फ्रेंड्स, एक और समूह जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया गया, यानी इसमें एंटीजन नहीं पाया गया, तो इसे बांट दिया गया ओ वर्ग में। इसमें एंटीजन नहीं पाया गया, इसे बांट दिया गया ओ वर्ग में। तो देखिए, अब देखना यह है कि किसने खोज की। सो फ्रेंड्स, ये पूछता है कि खोज किसने की है, ए वर्ग की खोज किसने की है, बी वर्ग की, और किसके द्वारा ए बी वर्ग खोजा गया था, और फ्रेंड्स किसके द्वारा आपका ओ वर्ग खोजा गया था। तो हमें आगे ये जानना है। अभी हमने देखा किस प्रकार से दोस्तों इसको बांटा गया। और ध्यान दीजिएगा, जो ए वर्ग होता है इसमें एंटीजन ए होता है, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बी काम करती है। ठीक है ना, तो ए वर्ग के अगेंस्ट एंटीबॉडी बी काम करती है और बी वर्ग के अगेंस्ट एंटीबॉडी ए कार्य करता है, एंटीबॉडी ए कार्य करता है। ठीक है ना, अब फिर देखिए, और उसके बाद जो एंटीजन ए बी होता है इसके अगेंस्ट क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक, इसके अगेंस्ट क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। और जो ओ होता है फ्रेंड्स, तो जो आपका ओ होता है, एक सेकंड, यहां पर एंटीजन रहेगा, एंटीजन, और यहां देखिए आप, जो आपका ओ है फ्रेंड्स, यहां पर क्या होता है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों फाइंड किया गया। ठीक है ना, तो दोस्तों कुछ ऐसे वर्ग बनाए गए थे एंटीजन के आधार पर। आइए देखते हैं कि खोज किसने की है विभिन्न रक्त वर्गों की। सो फ्रेंड्स, हमको आगे बढ़ना है और जानना है कि विभिन्न रक्त समूहों की खोज किसने की है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एबीओ की, तो ध्यान देना, रक्त वर्ग ए, वर्ग बी और वर्ग ओ,
इसे हम कहते हैं एबीओ। सो फ्रेंड्स, एबीओ की खोज जो है, इसकी खोज किया लैंड स्टीनर साहब ने, ठीक है। जो आपका एबीओ है, इसकी खोज कौन किया? इसकी खोज किया लैंड स्टीनर साहब ने फ्रेंड्स। लेकिन यहां जो अगला ब्लड ग्रुप था हमारा, जो हमारा एबी है फ्रेंड्स, एबी वर्ग जो है, तो एबी वर्ग की जो खोज है, इसकी खोज 1901-2 में हुई थी, ठीक है ना। 1901-2 में हुई थी। दो वैज्ञानिक थे, एक थे डी कैस्टेलो और एक थे स्टर्ली। सो फ्रेंड्स, दो वैज्ञानिकों ने क्या किया था, एबी वर्ग की खोज की थी। तो इस प्रकार से कुल 4 रक्त वर्ग बनाए गए थे एंटीबॉडी और एंटीजन के आधार पर। तो दोस्तों, जो एबीओ ग्रुप था उसकी खोज कौन किया, लैंड स्टीनर ने किया था। और जो एबी वर्ग था, इसकी खोज डी कैस्टिलो और स्टर्ली ने की थी। आइए हम आगे देखते हैं कि आगे ब्लड ग्रुप को किस तरह से हम डोनेट करते हैं, ट्रांसफ्यूजन किस प्रकार से होता है, और अन्य जो प्रश्न यहां बनते हैं वो किस प्रकार से बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां जो आपका रक्त ए है, जो वर्ग ए है, वर्ग ए आपका पूरे विश्व में 25% है। ये कितना है? 25% है। और दोस्तों बी 35% है। और वहीं अगर हम बात करें एबी की, तो ध्यान देना एबी पूरे विश्व में केवल 10% है। और यदि बात करें हम ओ की, तो ओ कितना है? कुल 30% है। तो इस प्रकार से जो रक्त उपस्थित है, ये इस प्रकार से, तो सबसे अधिक बी वाले हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए ये इस तरह से डिसाइड हो गया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सोचते हैं कि एंटीजन क्या होता है। दोस्तों देखिए, एंटीजन को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिजन, और प्रतिजन वह भाग है, वह प्रोटीन है, ठीक है, जिसका निर्माण कैसे होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से होता है। और प्रतिजन ऐसी प्रोटीन जो हमारे लिए हानिकारक होती है, अर्थात यह हानिकारक जीवाणुओं का प्रवेश हमारे रक्त में करवाती है, ठीक है ना। ये क्या करती है? हानिकारक जीवाणुओं का प्रवेश रक्त में करवाती है। और इसके अगेंस्ट कौन काम करता है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी कहते हैं। और ये एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त करती है, तो इसको हम कहते हैं प्रतिरक्षी। जो एंटीबॉडी होती है वो हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त करती है, वहीं एंटीजन जो होता है वो हानिकारक जीवाणुओं को रक्त में लेके आता है। जैसे मान लीजिए दो छोटे बच्चे हैं, जब बच्चे घर में शरारत करते हैं, तो दिन भर घूमते हैं, शरारत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लड़ाई झगड़ा करने के बाद घर पहुंचते हैं, तो शाम को सब झगड़ों का निपटारा कौन करता है? घर के जो बड़े लोग होते हैं वो करते हैं। तो मान लीजिए जो एंटीबॉडी है, ये घर का बड़ा आदमी हो गया, कोई बुजुर्ग हो गया जो फैसले करता है, और ये क्या हो गया? छोटा बच्चा है। ये दिन भर झगड़ा करता है, जब झगड़ा करने के बाद वापस आता है, तो झगड़े का निपटारा कौन करता है? ये करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बाहर से आता है, हानिकारक जीवाणुओं को ब्लड में लाता है, और ये एंटीबॉडी उन जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। सो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि कैसे हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो देखिए, तो कुल 4 रक्त वर्ग है, तो यहां लिख दिया मैंने ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप एंड फ्रेंड देन एंटीजन ए एंड बी एंड फ्रेंड्स एंटीबॉडी ए एंड बी। तो लीजिए, इसको अलग अलग कर दिया गया है। देखिए, जो पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप कौन सा है? ए है। सो फ्रेंड्स, ए में एंटीजन कौन सा फाइंड किया गया? ए एंटीजन होता है, और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी स्मॉल बी कार्य करती है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, कभी भी एंटीजन ए और एंटीजन ए और
एंटीबॉडी ए नहीं होगा। अगर यह एंटीबॉडी हो जाएगा तो ब्लड क्या होगा, चिपक जाएगा और ब्लड का जमाव हो जाएगा वहां पर, जिसे कहते हैं एग्लूटिनेशन, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स आगे देखिए, ब्लड ग्रुप बी है तो बी में एंटीजन कौन सा, बी मिलाया गया है, बी होता है, और एंटीबॉडी क्या होती है, ए होती है, ठीक है ना। अब देखिए आगे ए बी, तो ए बी ऐसा ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए बी ये दोनों होते हैं दोस्तों। और देखिए इसमें एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी इसमें नील होती है अर्थात अब्सेंट होती है, तो एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए बी में नहीं होती। आगे देखें, आगे ओ होता है, सो फ्रेंड्स जो ओ होता है ओ में एंटीजन क्या होता है, नील होता है, अब्सेंट होता है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें ए बी होती है। तो देखिए इस प्रकार से डिवाइड किया गया है इसको, ए में ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी, बी में बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, ए बी में ए बी एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, नील है, ओ में एंटीजन नील है और एंटीबॉडी क्या है, ए बी है। सो फ्रेंड्स इस तरह से बांटा गया है। तो ध्यान रहे कभी भी एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाएगा तो ब्लड क्या होगा, जम जाएगा, तो हो जाएगा ब्लड का एग्लूटिनेशन, इसका मतलब होता है रक्त का जमाव, ठीक है ना, एग्लूटिनेशन। अगर ऐसा हुआ तो रक्त जम जाएगा और रक्त का प्रवाह नहीं हो पाएगा, रक्त का परिवहन नहीं हो पाएगा और व्यक्ति क्या होगा, शीघ्र मर जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता, और कभी भी एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी भी नहीं होती, दोनों ऐसा, दोनों मुमकिन है दोस्तों, नामुमकिन है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम आगे बढ़ते देखते हैं आगे क्या है फ्रेंड्स। आगे देखिए आपका एक पॉइंट और है, यहां हमको यह जानना है कि कौन सा ग्रुप किस प्रकार से ब्लड को लेता है और किस प्रकार से ब्लड को देता है। देखिए तो दोस्तों यहां लिख दिया गया है, देखिए यहां जो है ए बी ए बी ओ फ्रेंड्स, यहां भी ए बी ए बी ओ, तो इस प्रकार से इसको बार दिया गया है, ठीक ठीक है, देखते रहिए आप लोग। देखें तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है ये क्या करेगा, ए को रक्त देगा और ए से लेगा, ठीक है। तो जो ए हुआ किसको दिया, ए को दिया और ए से लिया। अब इसके अतिरिक्त देखिए, जब ए ने ए को दिया और ए से लिया, इसके अतिरिक्त ये जो ए होता है ए बी को भी रक्त देता है, ठीक, यहां से बात क्लियर है। अब देखें यहां जो ब्लड ग्रुप बी है इसने बी को दिया और बी से भी लिया, बी को दिया और बी से लिया, इसके अतिरिक्त इसने क्या किया है, ए बी को भी दिया, यानी ए ने भी ए बी को दिया और बी ने भी ए बी को दिया। अब देखते हैं ए बी, और ए बी क्या करता है, ए बी को देता है और ए बी से लेता है, इसके अतिरिक्त जो ए होता है, जो ए बी होता है वो ओ से भी लेता है। सो फ्रेंड्स जो ओ है ओ को देगा और ओ से लेगा, इसके अतिरिक्त ओ ने क्या किया है, ए बी को भी दिया है, ठीक। देखिए अब ओ ने ए बी को भी दिया है एंड फ्रेंड्स ओ क्या करता है, बी को भी देता है एंड ओ क्या करता है, ए को भी देता है। तो यहां हम देख रहे हैं जो रक्त समूह ए बी है उसने सबसे लिया है, ठीक ना। तो जो रक्त समूह ए बी है उसने क्या किया है, सबसे लिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं इसको। तो ये होता है सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसीवर। वही फ्रेंड्स जो आपका ब्लड ग्रुप ओ है इसने सबको दिया, तो इसको कहते हैं सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर, ठीक। देखिए ए ने क्या किया, ए को दिया ए से लिया, इसके अतिरिक्त ए बी को दिया, बी ने बी को दिया बी से लिया और इसके अतिरिक्त बी ने ए बी को भी दिया, ए बी ने ए बी से लिया ए बी को दिया, इसके अतिरिक्त क्या हुआ, ओ से भी लिया, ओ ने ओ को दिया ओ से लिया, ए बी को भी दिया ओ ने, ओ ने बी को भी दिया और ए को भी दिया। तो ध्यान रखो रहे कि जो आपका ब्लड ग्रुप ओ है ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, और ब्लड ग्रुप ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। सो फ्रेंड्स
इस तरह से क्या किया, क्या किया गया दोस्तों, ब्लड का जो आदान प्रदान होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन। सो फ्रेंड्स, ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है? इसी प्रकार से होता है। तो इसे हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसे हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या इसे हिंदी में कहते हैं रक्त आदान, रक्त आदान। देखिए अभी यहां पर क्या हुआ है, अभी केवल एंटीबॉडी और एंटीजन के आधार पर यहां ब्लड को दिया गया है, लिया गया है, लेकिन अभी हम आगे पढ़ते रहेंगे तो आगे हमें मिलेगा आरएच फैक्टर के बारे में दोस्तों, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो देखिए अभी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा है वो होता है रक्त का निर्धारण। तो आखिर निर्धारण किस प्रकार से होता है ब्लड का, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस लगातार बनते हैं। यदि माँ का रक्त समूह ए हो, पिता का बी हो, तो बच्चे में क्या हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे हम रक्त का निर्धारण करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे आरएच फैक्टर के विषय में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमको जानना होगा रुधिर वर्ग के जीनोटाइप क्या क्या होते हैं। ठीक, रुधिर वर्ग के जीनोटाइप्स, रुधिर वर्ग के जीनोटाइप, जीनोटाइप देखिए दोस्तों होता क्या है कि मानव में एंटीजन का जो दोस्तों, जो एंटीजन एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आता है दोस्तों, वो कैसे आता है, जीन के माध्यम से आता है, जीन ही एंटीजन का निर्धारण करता है। तो फ्रेंड देखिए कुल मिलाकर के तीन जीन होते हैं जो ब्लड का निर्धारण करते हैं दोस्तों, ये कौन कौन से होते हैं देखिए, पहला होता है आई ए, दूसरा होता है आई बी, तीसरा होता है आई ए बी, और दोस्तों एक और होता है आई ओ, जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों जो आई होता है, आई ए होता है, इसमें क्या होता है, एंटीजन ए होता है, और आई बी में क्या होता है, एंटीजन बी होता है, और आई ए बी में एंटीजन ए बी होता है, और जो आपका ए बी ओ है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। अब यहां जो आई का मतलब है आइसो हीमोग्लूटिनिन, आई का मतलब होता है आइसो ही में ग्लूटिनिन। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, रुधिर वर्ग के क्या होते हैं, जीनो टाइप होते हैं, आई ए आई बी आई ए बी, और दोस्तों आई ओ जो होता है क्या होते हैं, ये ब्लड ग्रुप के दोस्तों होते हैं, ये ब्लड ग्रुप के होते हैं, जीनो टाइप होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें अलग अलग प्रकार के दोस्तों एंटीजन होते हैं, और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, रक्त का निर्धारण करते हैं। तो आइए देखते हैं रक्त का निर्धारण किस प्रकार से होता है। रक्त का निर्धारण तो रक्त के कुल चार समूह है। पहला वर्ग कौन सा, पहला वर्ग होता है ए, दूसरा वर्ग कौन सा बी, तीसरा वर्ग कौन सा ए बी, और चौथा वर्ग दोस्तों ओ होता है। तो कुल मिलाकर के चार वर्ग होते हैं फ्रेंड्स, और देखिए इन चार वर्गों में क्या क्या होता है। तो अगर एंटीजन ए होगा तो इसमें देखिए ए होता है, और इसके साथ क्या होता है, इसके साथ ओ होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, एंटीजन ए होगा और साथ में क्या होगा, ओ होगा। तो एंटीजन ए और साथ में क्या होगा, ओ होगा। अगर बी होता है सो फ्रेंड्स बी में क्या होता है, एंटीजन बी होता है और साथ में क्या होता है, ओ होता है, ठीक। और इसके बाद देखें
तो ए बी, तो इसमें ए होगा और क्या होगा, बी होगा। एंड फ्रेंड्स ओ में ओ और क्या होगा, ओ होगा। तो इसी के आधार पर हम सीखेंगे कि आखिर रक्त का निर्धारण किस प्रकार से होता है। देखिए अगर हम रक्त के निर्धारण की बात करें तो फ्रेंड्स अगर ए और ओ दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, ए बनेगा, और यदि बी और ओ मिलेंगे तो क्या बनेगा, बी बनेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और अगर बी और ए मिलते तो क्या बनता है, ए बी बनेगा। अगर ओ और ओ मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। अगर कहीं ए ए मिल जाए तब भी ए बनेगा, और ए अगर बी भी मिल जाए तब भी क्या बनेगा, बी बनेगा। तो देखिए इसी आधार पर हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों प्रश्न दे दिया, यदि मां का रक्त, मां का रक्त ए तथा पिता का रक्त ए बी हो तो बच्चों में कौन सा रक्त समूह हो सकता है, तो बच्चों में कौन सा रक्त समूह हो सकता है। इसमें पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कौन सा होता है, कितने परसेंट होता है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए आप लोग, तो पूछ रहा है जो माँ है तो माँ का क्या है, माँ का ए है। तो हमने देखा दोस्तों ए में क्या होता है, ए में ए, देखिए यहां पर ए है ना, तो यहां देखिए ए है, तो ए में ए है और ओ है, तो इसको कर लीजिए आप लोग, ए में क्या है, ए है और ओ है, ठीक। और फिर देखिए पिता का क्या है, ए बी है, तो देखिए यहां पर ए बी, ए बी में क्या है, ए और बी है, तो पिता में क्या है, पिता में ए बी है, तो ए को अलग कर लीजिए और बी को क्या करना है, अलग कर लीजिए। देखिए यहां पर ए बी में क्या है, ए और बी है, ओ ए में क्या है, ए और ओ है। अब क्या करना है आपको, आपको पहले से पहला मिलाना है, फिर पहले से दूसरा मिलाना है, ठीक है। पहले इस पहले से इसको मिलाएंगे, फिर इसी से इसे मिलाएंगे, फिर इससे इस दूसरे से पहले को मिलाएंगे, और फिर दूसरे को दूसरे से मिलाएंगे। तो जब हम ए को मिलाएंगे ए से तो क्या बनेगा, यहां दोस्तों यहां बन जाएगा ए, ठीक। तो जब ए को मिलाएंगे ए को तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और फिर जब पुनः इस ए को मिलाएंगे बी से तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा, ठीक। तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा, यानी जब ए और बी मिल गया, ठीक है ना, यहां क्या मिला, ए मिला और बी मिला, तो ए और बी से क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा। यहां पर ए मिला और ए मिला तो ए ए से क्या होता है, ए बन जाएगा। अब हम पुनः इस दूसरे वाले को ओ से किससे मिलाएंगे, इस पहले वाले से, जब इसे मिलाया ए से तो क्या हो गया, ओ और ए, ओ और ए से क्या बनता है, ए बन जाता है, क्या बन जाता है, ए बन जाता है। फिर मिलाएंगे इस ओ को इस बी से, तो ओ और बी मिला तो क्या बन गया दोस्तों, बी बन गया, यानी ओ और बी मिला तो क्या बना, बी बन गया। तो देखिए यहां पर एक बार ए बना, सॉरी दो बार यहां पर ए बना है, और एक बार बी बना है, और एक बार क्या बना है, ए बी बना है। तो ए कितना बनेगा, 50%, और बी कितना बनेगा, 25%। एंड फ्रेंड्स ए बी कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 25%। तो ये संभावना रहेंगी होने वाले बच्चों में, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक प्रश्न हम यहां से और लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर दोस्तों प्रश्न बन जाए कि पिता का रक्त ए, माता का रक्त बी, तो होने वाले बच्चों में कौन संभावना होगी। तो देखिए ए में क्या होता है, ए और ओ होता है, तो यहां करेंगे ए और करेंगे ओ। और फ्रेंड्स बी में क्या होता है, तो बी और ओ, देखिए यहां पर सेम सेम लिखा हुआ है, तो इसे जो पहला ए है, जो पहला वाला ए है, तो पहले वाले ए को हम कहां मिलाएंगे, दूसरे वाले बी से, तो इसको मिला दिया इससे, क्या बन गया, ए और बी मिला, ए और बी मिला क्या बना, ए बी बन गया, यहां बन गया ए बी।
फिर इस ए को मिलाएंगे दूसरे वाले ओ से, यहां मिलाया ए को ओ से, तो ए और ओ से क्या बनता है, ए और ओ से क्या बनता है, ए बनता है, यह बन जाएगा ए। फिर फ्रेंड्स हम मिलाएंगे इस ओ को बी से, तो ध्यान दीजिए जब ओ और बी मिलता है, देखिए ओ और बी तो क्या बनता है, यह बनता है बी, और जब इस ओ को मिलाएंगे ओ से तो क्या बनता है ओ, यहां देख सकते हैं आप लोग ओ और ओ से क्या बनता है, ओ बनता है। सो फ्रेंड्स यहां क्लियर हो गया है, यह कोई एक निश्चित ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा बल्कि सब बनता है दोस्तों। यहां ए बी बना और यहां ए बना, यहां बी बना और यहां ओ बना, यानी कि होने वाले बच्चों में ये चारों कितना होगा 25%, चारों कितना होगा 25%। सो फ्रेंड्स 25% होगा सारे। तो इस प्रकार से क्या होता है, रक्त का निर्धारण होता है। आइए हम शुरू करते हैं आगे एक और नया टॉपिक इसी में, जिसका नाम है आरएच कारक। देखिए सो फ्रेंड्स हमें अब शुरू करना है आरएच कारक, जिसे हम कहते हैं आरएच फैक्टर, आरएच कारक, और इसे हम कहते हैं आरएच फैक्टर। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि आरएच कारक है क्या। फ्रेंड्स आरएच एक प्रकार की, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसको हम डी एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ये बात है 1940 की, 1940 में लैंड इस्टिनर एवं वीनर दो साइंटिस्ट दोस्तों दोनों ने क्या किया, अफ्रीका में एक बंदर के अंदर, एक रिसर्च नामक बंदर के अंदर आरएच फैक्टर यानी आरएच कारक प्रोटीन की खोज की। और जब इस प्रोटीन की खोज दोस्तों हुई तो उनको यह लगा कि हो सकता है कि ये आरएच कारक मनुष्य में भी होता है। सो फ्रेंड इसके बाद आरएच फैक्टर की खोज कहाँ की गई, मनुष्य के अंदर की गई। तो दोस्तों 1940 में आरएच कारक एक रिसर्च नामक बंदर में खोजा गया था। ध्यान देना आरएच एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है दोस्तों, यह एक प्रोटीन है। अगर यह आरएच प्रोटीन जिस व्यक्ति के रक्त में उपस्थित रहती है उसे हम आरएच पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें यह आरएच प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसे आरएच पॉजिटिव कहेंगे, और जिस व्यक्ति के रक्त में आरएच प्रोटीन अब्सेंट रहती है उसको हम आरएच नेगेटिव कहते हैं। एक विशेष बात है दोस्तों, कभी भी आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति आरएच नेगेटिव को रक्त नहीं देता है। ध्यान रहे आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति केवल आरएच पॉजिटिव को और आरएच नेगेटिव वाला व्यक्ति आरएच नेगेटिव को रक्त दे सकता है और रक्त ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ भ्रांतियां भी हैं, अभी चर्चा करेंगे आपसे कि किस प्रकार से ओ नेगेटिव किसी को भी ब्लड दे सकता है लेकिन केवल ओ नेगेटिव से ही ले पाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे पॉइंट्स दोस्तों इसमें है, अभी आगे हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि इस आरएच कारक की खोज कहां हुई, तो आरएच फैक्टर की खोज 1940 में। अगर बात आती है खोज की तो खोज 1940 में लैंड इस्टिनर वा वीनर, सो फ्रेंड्स लैंड इस्टिनर वा वीनर ने क्या किया, इसकी खोज की। और फ्रेंड्स खोज कहां हुई थी, रिसस। ध्यान देना बंदर का नाम क्या था, रिसस, आर एच आई एस यू एस, रिसस बंदर में। और फ्रेंड ध्यान देना आजकल इसको हम क्या बोलते हैं, आजकल इसको हम डी एंटीजन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डी एंटीजन कहते हैं, किसे, आरएच फैक्टर को। तो इसको डी एंटीजन भी आजकल कहते हैं। सो फ्रेंड्स जिसके अंदर अगर ये आरएच प्रोटीन है तो फ्रेंड्स उसे हम क्या कहते हैं, आरएच पॉजिटिव, और जिस व्यक्ति के अंदर आरएच प्रोटीन नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, आरएच नेगेटिव। देखिए जिसमें प्रेजेंट है वो पॉजिटिव है, जिसमें अब्सेंट है वो क्या है, नेगेटिव है। तो आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति आरएच पॉजिटिव को रक्त दे सकता है और रक्त क्या कर सकता है, ले सकता है, ठीक है ना। आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति आरएच पॉजिटिव को रक्त देगा और रक्त लेगा, वही आरएच नेगेटिव वाला व्यक्ति आरएच नेगेटिव को रक्त देगा और रक्त लेगा, क्लियर। देखिए लेकिन ऐसा नहीं होता, आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति आरएच नेगेटिव को दोस्तों रक्त नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है, इस तरह से नहीं होता है,
ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति आरएच पॉजिटिव को ब्लड देगा और उसी से ब्लड ले सकता है, यानी दोनों में क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव में ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए अभी विकट परिस्थिति है, किसी व्यक्ति का क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ और उसका ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है। ठीक, मान लीजिए कोई व्यक्ति था, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसका ग्रुप क्या है फ्रेंड्स, उसका ग्रुप है ए नेगेटिव। ठीक है ना, ए नेगेटिव। और ऐसा हो जाए कि ब्लड बैंक में ए नेगेटिव ब्लड नहीं है, तो अटेंडेंट में क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए कोई वहां व्यक्ति अवेलेबल हो जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो, तो क्या सोचिए, क्या ए पॉजिटिव का ब्लड ए नेगेटिव को दे सकते हैं? तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल, एक बार, केवल एक बार, ऐसा केवल एक बार हो सकता है। देखिए, क्योंकि मैंने क्या आपसे बोला, क्योंकि जो आरएच है, आरएच क्या है, आरएच एक प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है दोस्तों। क्या होता है, इसको हम कहते हैं आरएच एंटीजन, ठीक है ना, तो इसको हम आरएच एंटीजन कहते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम आरएच एंटीजन कहते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी नेगेटिव व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव ब्लड लगाया जाए, तो जब हमने इसको पहली बार लगाया, ठीक है ना, पहली बार, तो जब पहली बार आरएच पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड देता है, तो पहली बार क्या होता है, यह पॉजिटिव यानी आरएच के एंटीजन के इस नेगेटिव के अंदर जाने से यहां क्या होता है, आरएच के अगेंस्ट दोस्तों एक एंटीबॉडी बनता है, क्या बनता है, इस आरएच एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है। तो पहली बार में यह एंटीबॉडी का निर्माण कम हो पाता है, लेकिन अगर दूसरी बार पुनः ऐसा हुआ, अगर दूसरी बार भी ऐसा हुआ, तो जिस व्यक्ति को ब्लड दिया जाएगा, रक्त पहुंचते ही क्या होगा, एंटीबॉडी बहुत तेजी से काम करेगा और तुरंत एंटीजन से चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद रक्त का जो परिवहन होगा वो रुक जाएगा और रक्त लेने वाले व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो ध्यान रहे, केवल एक ही बार आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति आरएच नेगेटिव को रक्त दे सकता है, उसके बाद ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इसी संबंधित क्या है, एक बीमारी है और उस बीमारी का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। आइए देखते हैं कि कौन सी बीमारी होती है। और हाँ, इसके पहले मैं आपको बता दूं एक बात, अगर हम बात करें पूरे विश्व की, तो फ्रेंड्स विश्व में क्या है, 85% क्या है, आरएच पॉजिटिव है, क्लियर। एंड दोस्तों इंडिया में, इंडिया में क्या है, लगभग 93% क्या है, आरएच पॉजिटिव है, और 7% क्या है, आरएच नेगेटिव है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लियर। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं, मैंने आपको बताया एक डिजीज होता है जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। यह एक रोग का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अभी किसी मेल, कोई पुरुष है, उसकी शादी हुई और उस पुरुष का ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच पॉजिटिव है। जिस महिला से शादी हुई उस पुरुष की, उस महिला का ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच नेगेटिव है, ठीक है ना। अब देखिए इस पुरुष शादी किससे, इस महिला से, पॉजिटिव पुरुष था, महिला क्या थी, नेगेटिव थी। अब देखिए दोस्तों ये पॉजिटिव है क्या, नेगेटिव है, तो जब पहली बार संतान पैदा होगी, अर्थात दोस्तों ये जो आरएच पॉजिटिव का एंटीजन था, आरएच एंटीजन, वो मादा के प्लेसेंटा के द्वारा पूरे उसके रुधिर में क्या हुआ, फैल गया। यानी जैसे ही दोस्तों उस मादा के रुधिर में ये आरएच एंटीजन फैला, तुरंत उसकी बॉडी के अंदर क्या हुआ, इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण हो गया, ठीक। तो पहली बार में क्या होता है, एंटीबॉडी कम बन पाता है, ठीक। तो ऐसे इसलिए कुछ नहीं होता, लेकिन जब दूसरी बार ऐसा होता है, ठीक है, तो यह एंटीबॉडी बहुत अधिक मात्रा में बन जाता है और एंटीजन से चिपक जाता है, जिससे पहले संतान के अलावा दूसरी, तीसरी, यानी कोई भी संतान जब पैदा होती है तो वह भ्रूण में ही क्या है, मर जाती है। इसी रोग का नाम क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। तो ध्यान रहे, अगर पुरुष का रक्त क्या है,
आरएच पॉजिटिव है और महिला का आरएच नेगेटिव है तो पैदा होने वाली प्रथम संतान जीवित रहेगी, लेकिन इसके बाद पैदा होने वाली कोई भी संतान जीवित नहीं रहेगी दोस्तों। यह एक बहुत बड़ा ही कारक है, इसको हम कहते हैं आरएच फैक्टर दोस्तों, इसको हम कहते हैं आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इस बीमारी का, इस रोग का वैक्सीनेशन भी होता है दोस्तों। इसमें एक प्रकार विशेष प्रकार की वैक्सीन का प्रयोग करते हैं, और ये वैक्सीन क्या करती है दोस्तों, इस वैक्सीन का नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जितने लोग का आरएच पॉजिटिव होगा तुरंत सोच रहे कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मैडम का आरएच नेगेटिव निकल जाए तो कहीं प्रॉब्लम नहीं हो जाए हमको, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए क्या होता है, वैक्सीनेशन होता है दोस्तों। ये विशेष प्रकार की वैक्सीन है, इंजेक्शन के थ्रू क्या होता है इसको महिला में लगाते हैं, और यह इंजेक्शन प्लेसेंटा के द्वारा पूरे बॉडी में फैल जाता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं होता, यह क्रिया क्या होती है, रुक जाती है। सो फ्रेंड्स, यही होता है आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। अब देखिए इसके बाद दोस्तों एक आपका जो है एक पॉइंट और बचता है, और यह विशेष प्रकार का पॉइंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। आइए देखते हैं कि आगे कौन सा पॉइंट है दोस्तों। आगे हमारा पॉइंट यह है कि अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है तो वह किस किस से रक्त ले सकता है दोस्तों। ए पॉजिटिव मान लीजिए है तो वह किस से ब्लड लेता है, अगर ए नेगेटिव है तो वह किस से ब्लड लेता है। देखिए फिर हम पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त आधान। तो देखिए अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है तो फ्रेंड्स सॉरी यहां पर ए रहेगा, अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है तो ए में दो चीजें होती हैं, एक होता है ए पॉजिटिव, और फ्रेंड्स ए क्या होता है, ए नेगेटिव। ठीक, अब देखना यह है कि यह पॉजिटिव किस किस से रक्त ले सकता है और दोस्तों ये नेगेटिव किस किस से रक्त ले सकता है। तो ध्यान देना, जो आपका पॉजिटिव होता है ये ए पॉजिटिव, ये ए पॉजिटिव से ब्लड लेगा, किससे लेगा, ए पॉजिटिव से और ए नेगेटिव से, और इसके अतिरिक्त दोस्तों यह ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड क्या हो सकता है, ले सकता है। तो ध्यान देना ये चारों क्या है, चारों वह ग्रुप है जो ए पॉजिटिव को ब्लड देते हैं। अगर हम बात करें ए नेगेटिव की, सो फ्रेंड्स ए नेगेटिव ऐसा ग्रुप है जो केवल ए नेगेटिव से या फिर ओ नेगेटिव से रक्त ले सकता है, इसके अतिरिक्त किसी से ब्लड नहीं ले पाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर हम बात करें ए पॉजिटिव की, इसने क्या किया, ए पॉजिटिव से लिया, उसके बाद ए नेगेटिव से लिया, फिर ओ पॉजिटिव से, फिर ओ नेगेटिव से। अगर बात करें ए नेगेटिव की तो यह केवल ए नेगेटिव से लेता है और ओ नेगेटिव से लेता है। सो फ्रेंड्स इस तरह से। अब देखिए यदि हम बात करते हैं बी की, तो यदि हम बात करें ब्लड ग्रुप बी की, तो जो बी होता है इसमें दो चीजें होंगी, एक होगा बी पॉजिटिव और एक होगा बी नेगेटिव। तो अगर हम बात करें बी पॉजिटिव की, तो ध्यान देना दोस्तों ये क्या करेगा, ये बी पॉजिटिव से लेगा, इसके अतिरिक्त बी नेगेटिव से भी लेगा, और दोस्तों इसके अतिरिक्त यहां पर हाँ ओ पॉजिटिव से लेगा, और किससे लेगा, ओ नेगेटिव से लेगा। तो ध्यान रहे जो आपका बी है वो इन सबसे ब्लड ले सकता है, बी पॉजिटिव। अगर हम बात करें बी नेगेटिव की, सो फ्रेंड्स बी नेगेटिव क्या करेगा, या केवल बी नेगेटिव या फिर ओ नेगेटिव, इन दोनों से ही रक्त ले सकता है। तो देखिए ए बी का इस प्रकार दोस्तों होता है, जो रक्त का आधान होता है, लेकिन जो आपका ए बी होता, देखते हैं कि ए बी का किस प्रकार से होता है। सो फ्रेंड्स जो आपका ए और बी होता है, देखिए तो इसमें ए बी पॉजिटिव होगा, पहला क्या होगा, ए बी पॉजिटिव, और दूसरा होता है ए बी नेगेटिव। तो ध्यान रहे इसे हम कहते हैं सर्वग्राही, यह ऐसा समूह है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है।
लेकिन अगर हम बात करें एबी की तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका एबी होता है वो ए पॉजिटिव से बी पॉजिटिव से, दोस्तों सॉरी यहां पर नेगेटिव रहेगा, तो सबसे पहला ये किससे लेता है? सो फ्रेंड्स ये लेगा पहले ए बी नेगेटिव से, फिर दोस्तों बी नेगेटिव से, फिर ए नेगेटिव से, फिर फ्रेंड्स ओ नेगेटिव से। तो क्या होता है, यह इन सब से ब्लड ले सकता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग फ्रेंड्स, यह इन सब से ब्लड जो है ले सकता है। तो दोस्तों ये ऐसा समूह है जो ए बी बी ए तथा ओ नेगेटिव, इन सब से ब्लड ले सकता है। तो दोस्तों आज देखिए हमने काफी कुछ पढ़ा, तो आप लोग निरंतर ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों हम कामना करते हैं कि 2020 बिल्कुल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो, आगामी शुभकामनाओं के साथ आप ढंग से तैयारी करें, आगे बढ़ें। तो दोस्तों देखिए इसके लिए क्या है कि हम जो दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार आपके लिए रूट है, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। यहाँ पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए और प्री कम मेंस 2020 के लिए दोनों कक्षाएं दोस्तों निरंतर प्रारंभ है। यदि आपको प्रीलिम्स 2020 की परीक्षा देनी है तो दोस्तों क्या करना है, आपको प्रीलिम्स 2020 के लिए आप इस नंबर पर प्री पीसीएस एंट्री लिख करके व्हाट्सएप करेंगे, और यदि आपको प्री कम मेंस के लिए तैयारी करनी है, पढ़ना है, तो आप दोस्तों इस नंबर पर एंट्री प्री कम मेंस लिख करके व्हाट्सएप करना है। और दोस्तों निश्चित है कि आपको पीसीएस के बारे में या दोस्तों बैचेस के बारे में सारी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराई जाएंगी। तो फ्रेंड्स हमने ब्लड को यानी कि जो एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू था इसे हमने समाप्त किया, अब हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र आपको हम बताएंगे। दोस्तों यहां पर परिसंचरण क्या होता है, या फ्रेंड्स यहां पर परिसंचरण क्या होता है और परिवहन क्या होता है, तो दोनों बारे में, परिसंचरण के बारे में और परिवहन के बारे में, दोनों बारे में चर्चा हम लोग करेंगे फ्रेंड्स आगे आने वाले वीडियो में। तो परिवहन किसे कहते हैं या परिसंचरण क्या होता है, दोस्तों हमारा ब्लड ग्रुप जो है, जो हमारा ब्लड का परिवहन होता है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से क्लोज टाइप होता है, किस प्रकार से ओपन टाइप होता है, या हृदय की कार्यविधि कार्डियक साइकिल क्या है, या फ्रेंड्स इसी में पढ़ेंगे हम लोग ब्लड प्रेशर क्या होता है, हार्ट बीट कैसे मापते हैं, हार्ट बीट हमारी क्यों बढ़ जाती है, या हार्ट अटैक क्यों आता है, गोल्डन आवर किसे कहते हैं, या हृदय घात आने के लक्षण कौन कौन से होते हैं, पल्मोनरी वेंस के बारे में, पल्मोनरी आर्टरी के बारे में। सो फ्रेंड्स आगे हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। तो दोस्तों आज का वीडियो ये समाप्त होता है। थैंक यू ऑल, जय हिंद जय भारत।